जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनीपुर, कचरा, लखीमपुर और नौगांव, ये सब जगह पे ये विधि विद्यालय स्थापित होंगे जो आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है और मुझे भरोसा है आगे पर भी इसी प्रकार से हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रही। मोदी जी स्वयं कभी कभार 5 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में आ जाए तो आ जाए, मोदी जी ने स्वयं 30 बार 6 साल के अंदर पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार पहुंचे कराए, हर बार पहुंचे कराए, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना आसाम, विकास के रास्ते पड़े सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्गों से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को नए अवसर देना। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे, आज सारे हथियारी वो धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर अपने अष्ट लक्ष्मी को भारत की अष्ट लक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, बुरियांग समझौता, ये सारे प्रयास किए हैं और सबसे बड़ा काम हुआ है यहाँ पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था उनके साथ एक समझौता करकर, बोडो समझौता करकर, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता करकर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ, अभी अभी चुनाव हुआ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं हुई। ये बताता कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है तो नेतृत्व तो कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है और मोदी फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल इंडिया और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा रखकर समझौता किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, इस समझौते के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था और इसमें आज ज्यादातर प्रोजेक्ट काम पर चले गए हैं और जो समझौता हुआ था इसके सारे बिंदु पर आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू कर दिया है और इसको यथार्थ स्वरूप लाने के अंदर निकले। जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसके अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और मैं मानता हूं ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं, यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, इसका कारण है आसाम की जनता ने सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और सारे हर्डल को पार करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, सर्वानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमने आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले गए हैं। मित्रों, ढेर सारे हर्डल इस जोड़ी ने पार किए, हेमंत जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अभी कोरोना काल के अंदर बहुत कठिन था आसाम जैसे राज्य के अंदर कोरोना को संभालना,
परंतु आज मुझे कहने को आनंद मिलता है कि समग्र देश में कोरोना का सामना करने में आसाम सबसे ऊपर के राज्यों में रहा है। टेस्टिंग के मामले में आगे रहा, 0.47% की मृत्यु दर, 0.47, 100 लोग संक्रमित हुए तो आधे व्यक्ति की ही मृत्यु है। विश्व भर में न केवल भारत, विश्व भर में कहीं नहीं है, सिर्फ बड़े राज्यों में आसाम ने ही इसको सिद्ध किया है। और 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंच गए। कोविड के दौरान सहायता भी बहुत की गई, वित्तीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंध कर किया गया और कई प्रकार की सहायता देकर गरीब लोगों को कोविड के सामने लड़ने की ताकत दी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाय बगान के लिए ढेर सारे काम। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 7,20,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोलकर बिचौलियों से बचाने का काम किया है। आज उनका श्रम का पैसा सीधा इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। चाय बगान के क्षेत्र के अंदर अस्थाई महिला जो चाय बगान की है, वो जब गर्भवती होती है तो उसको 12,000 रुपया इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी के लिए देने का काम हुआ। शैक्षिक माहौल को सुधारने के लिए 150 उच्च विद्यालय खोले गए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी वहां शिक्षित होकर आसाम और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ढेर सारे काम करेंगे। मित्रों, अनेक क्षेत्रों के अंदर आसाम में काम हुआ है, मगर मैं आसाम सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं कि गेंडा जो आसाम का गौरव है उसका रक्षण करने का काम आसाम सरकार ने बहुत अच्छी तरह से। गेंडों के शिकार और शिकार करने वाली टोलियां कांग्रेस के जमाने में राजकीय आश्रय के साथ आसाम के गौरव को निपटाने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोर हाथ से काम कर आसाम भाजपा सरकार ने लगभग शिकार की संख्या शून्य कर दी है और काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम। मैं आसाम की जनता को कहने आया, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या दो ही है, घुसपैठ और बाढ़। पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार भी घुसपैठ को रोक सकती है, और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। तो अन्न का वितरण हो, असम मल्ला के माध्यम से रोडों को आगे बढ़ाना हो, असम सेकेंडरी रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का चलाना हो, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का जाला दूंगा, पुल रेलवे और रेलवे क्रॉसिंग बनाने हो, और इस सारे कामों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और मोदी सरकार ने भी आसाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सालों से आसाम सरकार की गैस रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया बाकी था। 8,000 करोड़ मनमोहन सिंह स्वयं यहां से 15 साल तक सांसद रहे, 18 साल तक रहे, मगर एयर रॉयल्टी का मसला हल नहीं कर सके। मोदी जी ने आसाम की सरकार बनने से पहले भी आसाम की रॉयल्टी का मसला हल कर पुराना 8,000 करोड़ रुपया और आगे के लिए हमेशा बढ़ोतरी कर आसाम के विकास के लिए ढेर सारा काम करने का नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, संस्कृति के लिए लगाव रखने वाला प्रदेश, भाषा और संगीत के लिए लगाव रखने वाला,
रुपये रेहदारी का न केवल आसाम के नॉर्थ ईस्ट के साहित्य और कला के प्रतीक बनकर देश में रहे। मगर भूपेन्द्र हजारिका को कोई सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन्द्र जी को भारत रत्न देकर हमारे साहित्य और कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों को 5 लाख रुपए की सहायता देती है, इसके आगे असम के मुद्दों पर और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिए विस्तृत अटल अमृत अभियान योजना चलाकर ढेर सारे लोगों को आगे बढ़ा। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के तहत असम के हर किसान को लगभग 2000 रुपया सीधा उनके बैंक खाते में बिचौलियों के बगैर ट्रांसफर किया है। सर्वानंद जी, कितना रुपया ट्रांसफर हुआ आपके यहाँ किसानों में? 16 लाख किसानों। रुपया कितना हुआ? 16 लाख लोगों को 2000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी अभी कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मिनिस्ट्री के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, असम को 6 साल के अंदर हमने कभी पराया नहीं समझा। असम को दिल्ली में हमेशा प्राथमिकता दी, नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी है और हर योजना